गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। ओके स्टूडेंट, हिंदी सेकंड है आपकी। स्टूडेंट्स बुक ओपन करिए। टुडे डेट इज 3/6/2020। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 8, चैप्टर भाषा और व्याकरण, चैप्टर 1। स्टूडेंट चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आपको मैंने बताया था क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम लोग एक्सरसाइज फिल करेंगे। स्टूडेंट आप लोग अपना वर्क पर डे कंप्लीट करते जाइए, या बुक वर्क हो या कॉपी वर्क हो, जो भी वर्क है आप लोग पर डे कंप्लीट करते जाइए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। स्टूडेंट ये सही गलत के आपको टिक लगाने हैं, मैं फिल करा रही हूँ बुक और आप लोग फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, नंबर 1 है, सांकेतिक भाषा का रूप मान्य है तो नहीं। कितनी भाषा मान्य है? भाषा के 2 रूप ही मान्य है, लिखित और मौखिक भाषा। ओके स्टूडेंट, ये गलत है। हरियाणवी एक बोली है, सही। ओके स्टूडेंट, व्याकरण का संबंध बोली से है, नहीं। ओके स्टूडेंट्स, भाषा व्याकरण के द्वारा सीखी जाती है, गलत। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, लिपि चिन्हों के लिखने का ढंग है, सही। लिपि जो है वो चिन्हों के लिखने का ढंग होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सही। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, पहला रॉन्ग है, गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, पांचवा सही है और छठवां भी सही है। नेक्स्ट 2 है आपका, निम्नलिखित चित्रों को देखकर आपको किस भाषा रूप का स्मरण होता है, दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। स्टूडेंट आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको उसको देख के किस भाषा की याद आती है वो आपको लिखना है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक हाथ है, हाथ में क्या है, माइक, जिसको हम लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर, और माइक जिससे हम लोग बोलते हैं। तो ये इससे क्या होते हैं, जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो ये कौन सी भाषा का हमें रूप मालूम होता है, मौखिक भाषा का रूप। ओके स्टूडेंट, पेन है, व्यक्ति का हाथ दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हैंड्स है तो मैं क्या करूँगी, पेन से या पेंसिल से लिखूँगी, तो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। ओके स्टूडेंट, ये थर्ड आपको चित्र दिया हुआ है, एक गर्ल्स है, वो अपने ओंठों पे क्या लगाए हुए, उंगली। ओके स्टूडेंट, तो क्या कर रही है, संकेत कर रही है कि शांत हो जाइए। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई भी आता है स्कूल में या आप लोग शोर करते हो, तो आप लोगों को टीचर्स कभी कभी सांकेतिक भाषा का यूज़ करती है और कहती है कीप साइलेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए, आपको ये खाली जगह दी हुई है आपको फिल करना है। नंबर 1 है, अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया है तो आपको समझाया भी है और अंडरलाइन भी करवाई हो। ओके स्टूडेंट, भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक तथा लिखित रूप। नेक्स्ट, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनि के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जो भाषा होती है उसकी ध्वनि के जो लिखने का ढंग होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही गलत ये आपको पिक्चर्स दी, चित्र दिए हुए थे, उसको पहचान कर भाषा लिखना और खाली जगह, 3 चीज़ें आपको फिल करवाई हैं आज। स्टूडेंट्स ये आप लोग अपनी बुक में फिल करते जाइए, ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें। मैं एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ, ज़्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ, इसलिए पर डे का करते जाइए और लर्न भी करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जो नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।